Hello everyone, myself Ms. Osin Mosu, former Miss Arunachal and former Miss India Arunachal Pradesh 2018. But आज मैं आप सबके सामने not as a Miss Arunachal but अपना परिचय as a agreed aspirant के तौर पे देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक aspirant थी और हूँ. आज मैं आप सबके साथ एक अपनी life की important story share करना चाहती हूँ, एक ऐसे पर्सन के बारे में जिन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया है, जिनकी प्रिपरेशन में मैंने देखा है कि उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया. उनकी डेडिकेशन, उनका हार्ड वर्क, उनकी सिंसियरिटी ने मुझे इतना इंस्पायर किया है. और ये सब का रीज़न उनकी फैमिली थी. बहुत ही अर्ली एज में उसके फादर की डेथ हो चुकी थी और वो सबसे बड़ी थी, तो उसके भाई बहन, छोटे भाई बहन हैं. उसकी मदर जो सिंगल मदर, फैमिली में ओनली ब्रेड अर्नर वही थी. भले ही उसकी मदर ने पढ़ाई लिखाई नहीं की, इलिटरेट थी, बट कैसे भी करके उसने अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए या फिर प्रिपरेशन के लिए कैपिटल भेज दिया. खेती करके, जानवर बेच के, कुछ भी करके, ताकि जो वो सपना खुद के लिए ना देख पाए, वो चाहती थी कि उसके बच्चे देखे. और इसी की वजह से उस पर्सन ने भी अपना सब कुछ इस एग्जाम या फिर जो भी स्टेट की एग्जाम्स है उसके लिए दे दिया. पहला एग्जाम दिया, नहीं निकला. दूसरा एग्जाम दिया, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ. थोड़ी सी हिम्मत टूटी, बट उसकी मदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के उसके साथ रही. उसने बोला कि बेटी तुम कर लो, पढ़ाई कर लो, बाकी मैं देख लूंगी. तीसरा एग्जाम दिया, नहीं निकला उसमें उसका. ऐसा करते करते 2 से 3 साल निकल गए. फिर एक दिन थके हुए, हारे हुए मन से वो मेरे पास आके मुझसे क्वेश्चन किया कि ऐसी कहाँ कमी रह गई थी मुझमें, या फिर क्या गलत हो रहा है मेरे साथ कि मेरा प्रिपरेशन या फिर सही नहीं जा रहा है. रोते हुए उसने क्वेश्चन किया और उस समय में मेरे पास कोई जवाब नहीं था, बट आज मेरे पास उसका आंसर है. उसके फेलियर के पीछे, उसके मदर के सपने पूरा ना होने के पीछे, उसके खुद के सपने टूटने के पीछे उसका उसका कोई हाथ नहीं. हाथ था तो उस सिस्टम का, जिस सिस्टम में ऐसे लालची, बेईमान, करप्टेड लोग बेटे हैं, जो ऐसे कितने एस्पिरेंट की जिंदगी तबाह कर चुके हैं. और आप खुद से रिलेट कर सकते हो कि ऐसे कितने स्टोरी होगी जो आपके दोस्त के या फिर आपके खुद के स्टोरी होगी कि दिन रात मेहनत करके आपने अपना सब कुछ दिया, फिर भी आपको आपका हक नहीं मिला. लेकिन अब करप्शन से पर्दा उठ चुका है. ऐसे लालची, बेईमान, करप्टेड लोगों की गिरफ्तारी स्टार्ट हो चुकी है. बहुत सारे लोगों का नाम आ चुका है, बट बहुत सारे लोगों का अभी भी नाम आना बाकी है. और इन सारे आंदोलन में एक सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है, तो वो रहा है पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का, जिन्होंने इस आंदोलन के लिए अपनी जी जान लगा दी. चाहे वो SIC को करप्टेड लोगों के बारे में इनपुट देना, या फिर अरुणाचल की जनता को करप्शन के अगेंस्ट जागरूकता पैदा करना, टाइम टू टाइम अरुणाचल को जोड़े रखना करप्शन के अगेंस्ट में, या फिर एक अरुणाचल की हिस्ट्री में सबसे बड़ी मास रेफरेंडम रैली कराना, एक अच्छे सिस्टम के लिए गवर्नमेंट के आगे 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखना, ये सारी चीजें पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने किया है. और ये कमेटी कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड कमेटी नहीं है. ये जो लोग हैं, ये आम एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने पूरा साल अपने आप को एक कमरे में बंद करके प्रिपरेशन किया, स्टार्ट किया, और अपना सब कुछ देने के बावजूद भी उनको उनका हक नहीं मिला. इसीलिए अनफॉर्चुनेटली उन एस्पिरेंट को
सड़क पे आना पड़ा। लेकिन इनकी जो लड़ाई है ये उन करप्टेड बेईमान लोगों के अगेंस्ट में है जो कि काफी स्ट्रांग है और ना जाने उनके पास करोड़ों रुपए हो सकते हैं। इसीलिए हम सबको मिलके इस कमेटी का साथ देना है, इनको सपोर्ट करना है, इनकी वॉइस बननी है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनके लिए फंड्स इकट्ठा करना है क्योंकि लड़ाई अभी बहुत बाकी है। और ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये केवल आज के अग्रिम एस्पिरेंट के लिए नहीं है, ये एक बेहतर सिस्टम के लिए है, ये एक आने वाली बेहतर कल के लिए है जो हमारे छोटे भाई बहन कल को आगे जाके एस्पिरेंट बनेंगे ताकि उनके साथ ऐसा ना हो जो आज हम फेस कर रहे हैं। उनको उनका हक मिलना चाहिए एक बेहतर अरुणाचल के लिए। इसीलिए एक बेहतर कल के लिए हम सबको मिलकर इस नए साल में एक पहल करनी है, एक शुरुआत करनी है। सो माय डियर पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आई अर्ज यू ऑल टू प्लीज सपोर्ट पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी एंड प्लीज डोनेट फॉर आवर अग्रीड एस्पिरेंट। हम सबको मिलकर एक लाइन खींचनी है, ये लाइन उन कुछ बेईमान लालची करप्टेड लोगों के अगेंस्ट वर्सेस होल अरुणाचल। सो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट दिस कमिटी पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी irrespective of your tribe, your district, your religion, let us all stand against corruption. Thank you and I wish you all a happy new year.